नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 20 फरवरी 2020 के 20 फरवरी 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। इसमें मैंने चार्ट प्रोबेबिलिटी और ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। मैंने जो बाय सेल लेवल कम स्किनर बनाता हूँ और उसी कतरों में आप लोग को रेगुलर बेसिस पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी, फ्यूचर्स और का बाय लेवल सेल लेवल दिखाता हूँ और इंसर्ट डबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, 100 EMA स्ट्रेटेजी और NR4, NR7 और बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न का दिखाता हूँ। वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा और इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है जो भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा और स्टॉक मार्केट का ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स हैं जो भी जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये जो फाइल है इसको इसमें क्या क्या है और कैसे स्किनिंग करना है इसका वीडियोस भी आप लोग देख लीजिए। तो इसका कैसे ये आप लोग इस यूज़ करके स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छी आसानी से प्रॉफिट कमा सकता है तो रेगुलर बेसिस पे। तो ये भी आप लोग को कैसे स्किनिंग करना है, इसमें क्या क्या है वो भी आप लोग देख लीजिए। इसका परफॉर्मेंस वाला वीडियोस देख लीजिए, ये मोस्ट इफेक्टिवली कैसे यूज़ किया जा सकता है वो भी आप लोग वीडियोस भी आप लोग देख लीजिए। और इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का भी लिंक आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक है वो भी आप लोग को देखने का मिल जाएगा। तो देखिए शुरू करता है आज का जो अभी का जो टॉपिक है निफ्टी 50 का। जो मैंने इधर चार्ट ओपन किया तो कल मैंने बोला था कि ये जो कल वाला वीडियो आप लोग चेक, ये जो हैमर का फॉर्मेशन हुआ था बहुत ही इंपॉर्टेंट हैमर का प्राइस सेक्शन है। तो उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करेगा तो ये आज ऊपर गया है, ये भी एक पॉजिटिव हैमर बना है। तो इसमें थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, इधर RSI भी पॉजिटिव हुआ है, MACD भी इधर पॉजिटिव दिखा रहा है। तो थोड़ा सा NFT थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रॉबिटी रखता है, लगता है ऊपर थोड़ा सा जाएगा। तो इधर फर्स्ट इसका इधर इसका 11,151 तक फर्स्ट आ सकता है, उसके बाद ये 12,187 तक आ सकता है, उसके बाद ये 12,247 तक जा सकता है। नीचे आएगा तो इसका सपोर्ट मिलेगा 12,028 पे, इसका सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद 11,944 में इसका सपोर्ट मिलेगा और इसका उसके बाद 11,870 तक आ सकता है। और इसका फ्यूचर का चार्ट देखूँगा तो देखिए इधर ये जो पॉइंट ऑफ ये जो आप लोग को ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ये जो प्रोफाइल है वॉल्यूम का प्रोफाइल, इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल का ये ऊपर चला गया, मतलब थोड़ा सा हाई जोन में गया है। तो इधर ये जो इसका जो लेवल है, ये जो लेवल है 11,195 इस प्रोफाइल का, इस प्रोफाइल का जो लेवल है ये 12,195, इसको ये तोड़ेगा तो इसका इस लेवल में नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है 12,188, उसके बाद ये 12,201, उसके बाद ये और भी ऊपर जा सकता है 12,285 या उसके बाद 300 के आसपास जा सकता है। तो देखता है कल का, ऐसा लगता नहीं है कि इतना मूवमेंट एक साथ हो जाएगा, ये कुछ ऊपर जाएगा जाने का कोशिश करेगा और रिट्रेस होगा ऐसा ही लगता है और नीचे आके रिट्रेस होगा ऐसा ही लगता है। और निफ्टी बैंक का देखता हूँ सेम चैटर्न बना के चल रहा है। ये देखिए कल ये पॉजिटिव हैमर बना था तो सॉरी ये हैमर बना था तो इधर ये आज ऊपर गया है और इधर भी थोड़ा सा एक हैमर जैसा कैंडल ही बना है। तो इधर ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, RSI भी इसका थोड़ा सा अपसाइड में है, MACD भी कॉन्वर्ज होने से होते होते दो लाइन एक साथ हो गया, कॉन्वर्ज हो गया है लेकिन फिर ऊपर अप ट्रेंड ही दिखा रहा है। और इधर इधर ये इसका सपोर्ट मिलेगा 30,642 पे, इसके बाद 30,000
371 में इसका सेकंड सपोर्ट आया, उसके बाद 30,174 तक आ सकता है ऊपर इसका। इधर इधर ये 31,000 तक पहले, 31,074 तक पहले आएगा तो इसका 31,345 तक आ सकता है, उसके बाद 31,497 मतलब 31,500 तक जा सकता है। और इसका फ्यूचर का जो देखूंगा तो इसमें देखिए इधर ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये क्रॉस किया है, ये नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल इधर है 30,900 का ऊपर जाएगा तो ये 30,999 मतलब 31,000 तक आ सकता है, उसके बाद ये हायर जोन में चला जा सकता है 31,078 या 31,156, उसके बाद 31,231, उसके बाद 31,330, उसके बाद 31,400 तक आ सकता है। और मैंने इसका ऑप्शन चेन देखूंगा तो सॉरी देखिए इसमें जो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है ये 12,125 में क्लोज हुआ है। इधर इधर जो पीसीआर रेशियो है ये शायद कुछ 1 का आसपास है, 94 ऐसा कुछ है। और इधर 12,200 मतलब एक के नीचे है, कल मैंने बोला था कि कुछ मुझे पीसीआर रेशियो 0.52 के आसपास आ गया था, वो कॉन्ट्रैक्ट लेने का हाई प्रोबेबिलिटी है तो थोड़ा सा लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के ऊपर गया, लेकिन एक हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर गया उसके बाद रिटेस होके नीचे भी थोड़ा सा क्लोजिंग नीचे आ सकता है, लेकिन ऊपर ही जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन ऊपर जाएगा कि पूरा ऊपर एक दिन में चला जाएगा तो ऐसा ऊपर जाके आके नीचे आके कॉन्सेट करेगा ऐसा ही लगता है। और इधर ऑप्शन चेन में इधर 12,200 में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इधर रेजिस्टेंस बना है, इधर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और पॉजिटिव चेंज इन प्राइस, इसको मतलब जो शॉर्टिंग कर रहा था उसको स्कोर को कवर कर रहा है, लॉन्ग कर रहा है मतलब शॉर्ट कवरिंग कर रहा है। और इधर 12,000 में इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट बना है और इधर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो इधर लॉन्ग बिल्डअप कॉल साइड में और इधर पुट प्राइस में शॉर्ट बिल्डअप तो इंडिकेट कर रहा है ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है निफ्टी। तो और बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो 0.82 है, अभी तक ये पीसीआर रेशियो ये दोनों का ही एक के नीचे है, लेकिन 0.50 मतलब लोअर थ्रेशोल्ड लिमिट से ये दोनों ही ऊपर आ चुका है, तो लगता है ऊपर जाएगा और थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाएगा और नीचे आके कंसोलिडेट करेगा ऐसा ही लगता है। तो इधर देखिए 31,200 मतलब नीचे से बाई करना ऐसे ही स्ट्रेटजी होना चाहिए, तो 31,000 में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है 31,000 और इधर 30,500 में पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, तो दोनों साइड में इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर जाने का इंडिकेट कर रहा है। और इधर प्रोबेबिलिटी दिखाऊंगा तो मैंने इधर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया है 12,000 में इधर 12,200 के आसपास जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और इधर 31,000 के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस के आसपास जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है रदर देन गोइंग टू क्लोज टू सपोर्ट। और मैंने और भी एक चार्ट आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, उधर भी एनालिसिस बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है, तो देखते हैं। तो डार्ट दिख रहा है लेकिन ये ट्रेंड जो दिखूंगा तो ये दूसरे सपोर्ट के पास आया 12,080 या 12,070 तक, ये 77 ऐसा तक आ सकता है ये रिटेस होके अगर ऊपर ये 12,160 में इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, फर्स्ट रेजिस्टेंस ये 12,160 है, उसके बाद ये 12,200 के आसपास जा सकता है। और मैंने बैंक निफ्टी का भी देखने का कोशिश करूँगा, बैंक निफ्टी का भी